ये नाली में ही अगले नेताओं के सारे प्रति देखिए, कभी जी तो पीछे पड़ गए आप लोगों के। पीछे पड़ना उनका काम है, और जैसा कि गड्ढों की बात है, गड्ढे कोई भी अगर आप सड़क उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसे गड्ढे नहीं है, सारी सड़कें बनी हुई हैं। महापौर जी के कार्यकाल में लगभग 4000 से ज़्यादा सड़कें बनी हैं यहाँ पर, और अभी भी लगातार काम जारी ही है, कहीं भी काम विकास रुका नहीं है। और विपक्ष का काम है कहना, उनको कहने देंगे, उनको रोक नहीं सकते, और वो नहीं आप तो पब्लिक देगी, पब्लिक के बीच में जाएंगे। पब्लिक जवाब दे चुकी है अभी, पिछले अभी विधानसभा चुनाव में पब्लिक ने पूरी तरीके से अपना जवाब दिया है, और हम पूर्ण बहुमत से फिर से विधानसभा में आए हैं, और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार आई है, फिर से हमारे माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने चुना है। महिलाएं साथ में है, 22 में तो थी, पूरी तरीके से महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ, जैसा कि हमारे माननीय महापौर जी के कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान मिला और महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते 50% महिलाएं भी मेरे साथ कार्यकारिणी में थी, और महिलाओं को आज यहां पर महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, कोविड काल हो चाहे किसी भी तरह के काम में पूरे कार्यकाल में महिलाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे और भी महिलाओं के लिए योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, उसमें भी महिलाओं को बहुत सारा योजनाओं का लाभ दिया गया है, तो महिलाएं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ और योगी जी के साथ। जोरदार ताली बजा दीजिए खुलकर बोलने के लिए, जोरदार ताली। आपको लगता है कि 24 की जंग और 23 की तैयारी निकाय चुनाव? बिल्कुल, हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं हमेशा तैयार रहते हैं, हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लगातार पार्टी जनता के बीच में काम करती है, जो क्षेत्रीय जो है नेता होते हैं वो काम करते हैं, जनता के बीच हम लोग हमेशा रहते हैं, हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये जो कह रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। प्रचंड बहुमत अभी आपने देखा है विधानसभा में, और अभी आप जो है नगर निकाय चुनाव में भी देखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है। तो देखिए, रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। आगे हैं बड़े सवाल, बीजेपी कर रहे हैं, कभी लोग भी कर रहे हैं, गड्ढे दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 24 की जंग में 23 की तैयारी है ये पूरी? 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसका सेमीफाइनल है, और लखनऊ शहर के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं सब सड़कें टूटी हुई हैं, जहां पर जो है केसरबाग चौराहा है, वहां से आप जाइए मेडिकल कॉलेज, सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि रोज दुर्घटनाएं होती हैं, सारे नाले जो हैं वो भरे हुए हैं, नालों की सफाई नहीं हुई है, कोई नाला ढकने का काम नहीं हुआ है, और यहाँ लखनऊ शहर के अंदर ट्रैफिक की गंभीर समस्या है। ट्रैफिक की समस्या में जो लगातार फुटपाथ के दुकानदार हैं इनको जानने का काम हुआ है बुलडोजरों के माध्यम से, और एक भी आदमी बताएं कि इस दुकानदार को लखनऊ शहर के अंदर एक दुकान दी गई हो। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था तो जब आप सत्ता में तब भी थी और अब भी है, बदला क्या लगा? हम लोगों ने जो मलिन बस्तियां थी उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक मिले, इसके लिए प्रयास किया था और कई मालिकाना हक दिलवाने का काम किया था। पिछले 6 साल में किसी भी मलिन बस्ती को, किसी भी झोपड़ी में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है, और कई आज आप देखिए लखनऊ शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एक चाइना की कंपनी है जिसको कूड़ा देने का काम नगर निगम ने दिया हुआ है, उस चाइना की कंपनी ने कूड़ा बंद कर दिया है, और आज जगह जगह पर अंदर शहर साफ हो गया है लेकिन मोहल्ले के अंदर जो है कूड़ा भरा हुआ है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जल भराव की समस्या बनी हुई है, और कहीं पर झोपड़ी झोपड़ी मलिन बस्ती में कोई काम नहीं हुआ, किसी भी फुटपाथ दुकानदार पर काम नहीं हुआ। यहाँ कालिदास मार्ग है, मुख्यमंत्री आवास से 50 मीटर दूर पर एक नाला बहता है पार्क रोड और मुख्यमंत्री चौराहे के बीच में, वहां पर जाके आप देखिए कि नाले पे कैसे लोग रहते हैं। आप भी तो विधायक हैं, आपका भी क्षेत्र इसी नगर निगम में। हम लोगों ने ही जो काम कराया था, अब विधायक हम हैं लेकिन एक रुपया भी सरकार ने विधायक निधि के अलावा हमको नहीं मिला है। विधायक निधि में 3 करोड़ रुपया था, उसको इन्होंने कहा कि हमने 5 करोड़ कर दिया है। नगर निगम को तो दिया है ना, यहाँ मेयर है संयुक्त भाटिया जी, यहाँ तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो है मेयर है,
यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर है, इसलिए इस बार जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। परिवर्तन और बदलाव होगा, जनता समस्याओं से परेशान है। जो गरीब झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ दुकानदार हैं, उनका कहीं कोई समस्या की बात नहीं। जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, रामकिफ जी से। ये जो कह रहे हैं चाइना की कंपनी को दिया गया, कौन है वो चाइना की कंपनी? देखिए, सबसे पहले मैं आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बसपा सरकार में एक कंपनी को कूड़ा उठाने का डोर टू डोर दिया गया, और जब 12 से 17 में समाजवादी पार्टी सरकार रही, रविदास जी विधायक रहे और मंत्री रहे, इन्होंने उसको हटाने का काम क्यों नहीं किया? और इन लोगों ने शासन में बैठ के ऐसा एग्रीमेंट किया कि हम लोगों ने सदन में कई बार पास किया कि चीनी कंपनी हटाई जाए, चीनी कंपनी हटाई जाए, लेकिन शासन ने ऐसा अनुबंध कर रखा है कि आज भी अखबारों में आप देख लीजिए कि नगर निगम नचार है, बेचारा नहीं हटा सकता। जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही ने किया उस चाइना, ये नगर निगम है, और नगर निगम में पिछले 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो आज सरकार 6 साल की यहाँ पर है, 9 साल सरकार केंद्र में है, यहाँ पर देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सांसद हैं। तो कह रहे हैं कि आप थे सत्ता में, आपने किया एग्रीमेंट। लोगों के समय पे नगर निगम इनके पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हम लोगों ने 100 करोड़ रुपया 2012 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो लखनऊ शहर के विकास के लिए 100 करोड़ दिया गया, और 100 करोड़ में बराबर से 20-20 करोड़ रुपया विधायकों को दिया गया क्षेत्र में, पूरे लखनऊ शहर में काम कराने के लिए। अब हम लोग विधायक हुए हैं, 1 रुपया भी सरकार ने विधायक निधि का नहीं दिया है, और विधायक निधि में भी घोषणा करने के बाद कि 3 करोड़ की 5 करोड़ हो गया है, घोषणा करने के बाद फिर 3 करोड़ कर दिया, और उस विकास के काम में 18% जीएसटी लगा दिया है। पिछले साल 2021 और 22 में विधायक कोटा 3 करोड़ रुपया था, अब विधायक कोटा हो गया 2 करोड़ 46 लाख रुपया। इस चुनाव में भी तो आपसे एक कदम आगे, उनकी तैयारी पूरी है, आपने भी शुरू नहीं की। हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी जनता के बीच में है, और तैयारी दिखाई पड़ेगी, विवेक जी चुनाव होंगे। तैयारी पूरी आपकी? देखिए, तैयारी हमारी इतनी है कि जहां आप खड़े हैं यहां पे अगर भाजपा का विकास देखना है तो जलकुंभी तैर रही होगी, देख लीजिए। और ये सामने महिला बाल सुरक्षा संगठन है, ये सपा का कार्य है, देख लीजिए। तो कार काम दिखना चाहिए, काम बोलता है, देखिए, और काम बोल रहा है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, ये तो तैयार, आप कहाँ हैं? प्रियंका जी भी बड़ा यूपी में भी आना कम कर, जिस तरह से नगर विकास मंत्री ने इको ग्रीन के बारे में अभी हाल ही के सदन में कहा था, ऐसी कौन सी मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की और भाजपा की जो इको ग्रीन को नहीं हटा पा रहे? आज डोर टू डोर कूड़ा नहीं हट पा रहा है, जनता परेशान है, चिल्ला रही है, लेकिन सरकार विवश है। ऐसा क्या है कि सदन में कहने के बावजूद भी नहीं हटा पा रहे हैं इको ग्रीन को, चाइनीज कंपनी को? दूसरी बात, 25 साल से यहाँ शासन है, चौथा और पांचवें जलकल को आज तक निर्माण नहीं करा पाए। आज जो भी जलकल से पानी सप्लाई हो रही है वो कांग्रेस की देन है। आज एक बताइए, एक भी कोई जलकल, चौथा और पांचवा जलकल बनाया है उन्होंने? भाजपा ने अपने हर चुनावी मुद्दे में बात कही, लेकिन आज वही समस्या है पानी की। अभी जैसे गर्मी आ जाएगी लोग बाल्टी लगा के लाइन में खड़े होंगे। जिस तरह से जल भराव के होता है यहाँ लखनऊ में, 25 साल में इन्होंने शहर को सुचारू रूप से डेवलप नहीं कर पाए, इनको जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 25 साल से है, जनता करा रही है, अपनी बदलाव चाहती है, और इस लखनऊ के अंदर लड़ रहे ना आप चुनाव? हम लड़ रहे हैं, और हम लखनऊ से मेयर जीत के आएंगे, यही बता रहा हूँ, आज दावा मैं करता हूँ आपके चैनल पे।